हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू एनएफए नेट क्लास। फिक्शन की सीरीज में आज हम रोमांटिक एज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि 1798 से 1837 तक था। और यहाँ पे फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था, जिसमें लिबर्टी, इक्वलिटी और फेडरलिटी की बात करता है, और बहुत सारा कॉन्ट्रीब्यूशन भी रहा है अलग अलग ऑथर का। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं रोमांटिक एज, जिसमें लिखा गया है यहाँ पे बिगनिंग स्टार्ट हुआ था पब्लिकेशन ऑफ ए लिरिकल बैलेट से, रोमांटिक पोएट से स्टार्ट हुआ है, जैसे विलियम कॉलरिज, एस्ट्री कॉलरिज हो गए, विलियम वर्ड्सवर्थ हो गए, इनका कॉन्ट्रीब्यूशन ज़्यादा रहा है। और लिरिकल बैलेट जो रहता है, बैलेट्स के फॉर्म में, सॉन्ग के फॉर्म में जो कंपोज किया जाता है, उसकी वजह से ये एज को बहुत गोल्डन एज माना गया है पोइट्री के। और भी ऑथर है जिनका कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है, जॉन किट्स हो गए, पी बी शैले हो गए, लॉर्ड बैरन भी आते हैं, ठीक है, विलियम ब्लेक भी हैं। तो ये सारे अलग अलग कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है और अलग अलग ओपिनियन और थिंकिंग भी है, पोइट के लिए हो सकता है, पोइट्री के लिए हो सकता है, फिक्शन के लिए हो सकता है, उस चीज़ को बताया गया है। और यहाँ पे एक और चीज़ फोकस किया गया है, लिटरेचर ऑन द एज ऑफ ए फोकस ऑफ इनिशियल नोबलनेस, कॉमन मैन के ऊपर वैल्यू ऑफ द इंडिविजुअल ड्यू टू द सेवरल पॉलिटिकल एंड सोशल अपवेल्स हो रहे थे। और यहाँ पे एज ऑफ ए रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन का बहुत बड़ा विवाद था, जो कि स्टार्ट हुआ था 1789 से स्टार्ट हुआ था 99 तक था। ठीक है, तो वहाँ पे जो कॉन्ट्रीब्यूशन था, सबको इक्वल मानना है, सबके रिलीजियस को रेस्पेक्ट करना है और फ्रीडम भी चाहिए वहाँ पे, ये सारे थे, इक्विटी, लिबर्टी, भाईचारा का भी होता है वहाँ पे, ठीक है, लिबर्टी मतलब भाईचारा, फिर इक्वलिटी, सबको इक्वल मान के चलना है, सबके रिलीजियस को रेस्पेक्ट करना है, वो फर्डिलिटी पे काउंट होता है। ओके, फिर यहाँ पे द इफेक्ट ऑफ ए फ्रेंच रेवोल्यूशन, जिसकी अभी मैं बात करी थी, did not the confine the French only, it started a revolutionary fever in the England, फ्रेंच में ही नहीं बट इंग्लैंड में ही भी था, ये बताया जा रहा है यहाँ पे। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन वॉज नॉट ओनली क्रूशल, इवन कंसिडर द कंटेंट ऑफ ए वेस्टर्न हिस्ट्री को बताता है ये, पर हैव द सिंगल मोस्ट क्रूशल इन्फ्लुएंस द ब्रिटिश इंटेलेक्चुअल, फिलोसफिकल और यहाँ पे पॉलिटिकल ऑफ द 19th सेंचुरी को भी डिराइव करता है। ओके, और जो लास्ट यहाँ पे थर्ड पॉइंट में ये लिखा है, द राइटर ऑफ ए रोमांटिक पीरियड वेर इंस्पायर्ड बाय द आइडिया ऑफ ए फ्रेंच रेवोल्यूशन, जितने भी ऑथर हैं यहाँ पे जो इंस्पायर्ड हुए हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन, जो वहाँ पे आया था, इक्वलिटी, लिबर्टी और फर्डिलिटी की जो बात करता है, उसी से इन्फ्लुएंस हुए थे, वो यहाँ पे बताया जा रहा है। और ट्राई टू द ट्रांसलेट दिस आइडियाज इन टू द रिलम ऑफ द लिटरेचर, इसमें ये भी इन्होंने किया है, ड्रिव द पॉलिटिकल चेंजेस यहाँ पे हुआ है, ट्रिम्प ऑफ द डेमोक्रेसी इन द पीरियड ऑफ ए इंडियन, द पैसेज ऑफ ए रिफॉर्म बिल जो पास हुआ था, ये आप विक्टोरियन एज में भी पढ़ोगे कि रिफॉर्म बिल के बारे में, पहले अगस्तन एज के बारे में, अगस्तन एज में हमने पढ़ा था रिफॉर्म बिल के बारे में, एक्ट के बारे में बात किया गया था, और 1832 में रिफॉर्म बिल पास हुआ था, ठीक है, जिसमें अलग अलग चीज़ों के बारे में पढ़ा जाता था, जैसे इक्विटी, लिबर्टी और फर्डिलिटी, फ्रेंच रेवोल्यूशन तो है बट उसमें अलग कॉन्ट्रीब्यूशन भी रहा है। ओके, फिर यहाँ पे कुछ लिटरेरी कैरेक्टरिस्टिक है इस एज के बारे में, रोमांटिक एज के बारे में, जिसमें अलग अलग के टाइप्स के बारे में पढ़ा जाएगा, जिसमें फर्स्ट आता है इमेजिनेशन, फैंसी एंड पैशंस टुक ओवर द प्लेस ऑफ ए रीजन ऑफ ए लिटरेरी राइटिंग। अब यहाँ पे लिखना स्टार्ट किए थे किस पे, इमेजिनेशन तो लिखते थे, इमिटेशन का तो प्रोसेस होता है इमेजिनेशन, बट ये फिक्शन है तो जो इमेजिनेशन होगा फैंसी वे पे भी होगा, फैंसी वे में आप ये सोचेंगे कुछ चीज़ें सिंपल वे पे ना दिखा के उसको अलग, उसमें अलग चीज़ें एकदम ज़्यादा स्पेशल उसको दिखाना, ठीक है, उस चीज़ को बताया गया है। फिर उसे हैवी इंपॉर्टेंस एंड इमोशनल इंस्टिंक्ट, ये सारी चीज़ भी होगी, जैसे आपने हैरी पॉटर भी देखा है, फैंसी चीज़ों को भी दिखाया गया है, अलग अलग चीज़ को वहाँ पे कंट्रीब्यूशन करके वहाँ पे प्रेजेंट किया जाता है। ओके, फिर थर्ड यहाँ पे बता रहा है, फोकस करेगा आपका एब्सेट द मिस्ट्री ऑफ फैंटेसी पे, मैक्सर करेगा ऐसी चीज़ जो आप कभी सोच, मतलब आप एक बार ही उसको करोगे आपको बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा वैसी चीज़ के बारे में, जैसे हैरी पॉटर के बारे में अलग अलग जो आपका सीरीज, इसमें अलग अलग टॉपिक के बारे में बताया गया है, फर्स्ट पार्ट में अलग है, सेकंड में अलग है, थर्ड, पूरा 8 पार्ट में अलग अलग फैंटेसी के बारे में बताया गया। और फैंटेसी डिफरेंट वे पे हो सकती है, किसी की अलग अलग फैंटेसी होती है, ज़रूरी नहीं एक ही फैंटेसी हो, ठीक है, जैसे नेचर लवर है तो उनकी फैंटेसी अलग होगी, वॉर पोएट है तो उनकी फैंटेसी अलग होगी, तो वो डिफरेंट पर्सन का थिंकिंग जो भी है डिफर करता है, ठीक है, उस चीज़ के बारे में बता रहा है। इंपॉर्टेंट पर्सनल एक्सपीरियंस ओवर द रूल एंड आस्टिक ट्रेडिशनल जो आ रहा था, ठीक है, उस चीज़ को फोकस किया गया है, ये बताया जा रहा है इस लाइन पे। और फिर फिफ्थ लाइन पे ये बताया जा रहा है, सेलिब्रेशन ऑफ इंडोलिज्म एंड ह्यूमैनिटेरियन स्पिरिट को बताता है, ठीक है, ये सारी चीज़ भी लेके आना है क्योंकि वो इफेक्टिव लगनी चाहिए ना, इसीलिए। फिर उसके बाद राइटर आर द इंस्पायर्ड क्रिएटर रैदर देन अ टेक्निकल मास्टर, ओके, ये हुआ। फिर उसके बाद फोकस ऑन आइडियलिज्म, सिग्निफिकेंस द माइंड ओवर द मैटर। फिर वाइडरनेस ऑफ द नेचर बिकम द सोर्सेस ऑफ इंस्पिरेशन।
तो नेचर जो है सोर्स बना इंस्पिरेशन का, और वहाँ से जितनी भी आपको जितने भी ऑथर्स हो गए, जितने भी ऑथर्स के वर्क्स हो गए, उसमें आपको अलग अलग कॉन्ट्रीब्यूशन ही देखने को मिलेगा। डिफरेंट पर्सन का डिफरेंट एस्पेक्ट होता है, थिंकिंग डिफर करता है, उसका ऑब्जर्वेशन डिफर करता है, और उसके बाद उसका क्रिएशन भी डिफर करता है। सबका एक जैसा क्रिएशन नहीं होता है, अलग अलग क्रिएशन होता है, उसमें अलग अलग वेराइटीज़ आपको देखने को मिलेगी। नेचर जो रोमांटिक एज के जितने भी, चाहे वो फिक्शन में हो, नॉन फिक्शन में हो, ड्रामा में, सॉरी पोइट्री पे हो, तो ये तीनों एज, मतलब तीनों आपके यूनिट पे अलग अलग टाइम टर्मिनोलॉजी पे बात किया गया है, और अलग अलग ऑथर भी आए हैं, बट उनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है नेचर के लिए, जो उन्होंने लव को बताया हुआ है, नेचर के हिसाब से उन्होंने बताया हुआ है, उनका डिवोशनल लव जैसे अलग स्पिरिचुअल हो गया, रिलीजियस हो गया, तो उसमें जो डिवोशनल लव दिखता है वो गॉड के लिए दिखता है, यहाँ पे नेचर के लिए दिखता है। और वहाँ पे एक चीज़ भी बोला गया कि कर्ण कर्ण में होता है भगवान, ठीक है, उस चीज़ को रिप्रेजेंट किया गया है, अलग अलग वे से रिप्रेजेंट किया गया है। और कुछ इसमें और भी चीज़ें हैं, जैसे कि अगर इस एज की बात करें तो ज़्यादातर इसमें किस में लिखा जाता था, तो फिक्शनल प्रोज हो गया, ऑफ द रोमांटिक एज में गॉथिक नॉवल, ठीक है। गॉथिक नॉवल क्या होता है, ज़्यादातर गॉथिक नॉवल इसको बोलते हैं जिसमें सस्पेंस होता है, थ्रिलर होता है, कुछ हॉरिफाइड हॉन्टेड चीज़ें होते हैं, वो होता है आपका गॉथिक नॉवल, ठीक है। ओरेडना एंड क्लासलेट कास्लेट करके एक वर्क है, ठीक है, यहाँ पे गॉथिक नॉवल का रिप्रेजेंट किया गया है। थोड़ा सस्पेंस भी है, थ्रिलर भी है, क्राई द पीकॉक को भी आप स्ट्रीम ऑफ कॉन्सेंट्रेशन पे लोगे, बट इस पे भी ले सकते हो कि हाँ ये गॉथिक फिक्शन होता है, गॉथिक फिक्शन में ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती है। अब आता है आपका हिस्टोरिकल फिक्शन, जो बैकग्राउंड चीज़ें को लेके प्रॉपर वही ट्रेडिशनल में लेके लिखा जाता है, उसको बोला जाता है हिस्टोरिकल फिक्शन, जो पहले से पूरा हो चुका है उसी को लेके आप आगे उसमें क्रिएशन करोगे, ओके। फिर उसके बाद आता है नॉवल ऑफ ए मैनर, जो नॉवल ऑफ ए मैनर है, जैसे आपने कॉमेडी ऑफ ए मैनर पढ़ा है, उसमें कॉमेडी में आपका कॉमेडी आता है, ट्रेजेडी आता है, सटायर प्ले आता है, रिवेंज आता है, तो यहाँ पे नॉवल ऑफ ए मैनर में नॉवल आएगा, शॉर्ट स्टोरी जिसमें भी इंक्लूड होते हैं, अलग अलग वेरिएंट पे बात किया जाएगा। ये ज़्यादातर इस एज पे, रोमांटिक एज में इसी टर्म पे फोकस किया गया था और इसी टर्मिनोलॉजी पे लिखा गया था, ओके। आगे जेकोबियन नॉवल आता है, जेकोबियन नॉवल में आप ये पढ़ेंगे कि जो जेकोबियन नॉवल रिटर्न किया गया था वो 1780 से 1805 तक और ब्रिटिश रेडिकल्स स्टूड पे सपोर्ट किए फ्रेंच रेवोल्यूशन को, और उसके बाद द टर्म वॉज कॉइंड आउट बाई स्कॉलर कार्ल ग्रेन करके हैं, ठीक है, इनको जबकि नॉवल जेकोबियन नॉवल्स पे काउंट किया जाता है और इनका जो वर्क है बहुत ज्यादा पढ़ा जाता है, ये बताया जा रहा है। फिर द मेजर जेकोबियन नॉवेलिस्ट वे द विलियम गोल्डिंग, रॉबर्ट बेजेस है, एलिजाबेथन इनकेस है, चैटलेंस ऑफ ए टर्न स्मिथ करके, तो इतने ऑथर जेकोबियन नॉवल में काउंट होते हैं। और इनका जो टर्मिनोलॉजी जिसपे ये लिखते हैं, ज़्यादातर गॉथिक हो गया, हिस्टोरिकल नॉवल हो गया, नॉवल ऑफ ए मैनर हो गया, ये सारे चीज़ में इंक्लूड किए जाते हैं। और डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें जैसे थिंकिंग हो गई आपकी, ऑब्जर्वेशन हो गई, इमेजिनेशन हो गया, तो पर्सन टू पर्सन डिफर करता है, ओके, बार बार मैं ये चीज़ बोल रही हूँ। फिर है विलिंग द लिटरी वॉज राइजिंग एमंग द लोअर ब्रिटिश क्लासेस, रेडिकल द नॉवल्स, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ भी के बारे में बताया जा रहा है यहाँ पे, यूटिलाइज द फॉर्म्स ऑफ ए नॉवल, स्टोरी टेलिंग इन्फ्यूज इन द माइंड, लोअर क्लासेस हो गया वो आइडल्स ऑफ द रिवोल्यूशन, तो जो रिवोल्यूशन आइडिया है, लोअर क्लासेस के लोग हो गए, अपर क्लासेस के लोग हो गए, आइडिया कहाँ से मिलेगा, इंस्पिरेशन वो कहाँ से लेंगे, तो ये सारी चीज़ से इंस्पिरेशन लेके अपना वर्क स्टार्ट करते हैं। हमने अगस्ता नेज में ये देखा है कि हाउस ऑफ कॉफी हाउस है, ठीक है, वहाँ पे लोग नोबल मैन लोग भी लिखना स्टार्ट किए थे, तो वहाँ जाके वो डिस्कशन करते थे और न्यू चीज़ें जनरेट करते थे ताकि उनको अर्निंग का जरिया मिले। और अर्निंग का जरिया सिर्फ ये नहीं है कि पैसा बुक छापो पैसा कमाओ, ये नहीं है, और भी चीज़ें होती हैं, हमको नया नया चीज़ सीखने को भी मिलता है और उससे हमारा कॉन्फिडेंस लेवल धीरे धीरे करके बढ़ता भी जाता है, ओके। फिर यहाँ पे लास्ट पॉइंट में ये लिखा है द जेकोबियन नॉवेलिस्ट यूज द लिटरेसी ऑफ द स्वेल रेडिकल बिलीव थॉट लोअर क्लासेस, और उसके बाद यहाँ पे जो कैरेक्टर्स है जेकोबियन नॉवेल्स के वो क्लोज कॉन्टेक्ट रहते थे गवर्नमेंट सिस्टम से, रिफ्लेक्टिंग द अनजस्ट प्रोसेस ऑफ द पावर ऑफ ए स्ट्रक्चर, तो ये सारी चीज़ों को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है। और अलग अलग ऑथर का अलग अलग जो उन्होंने टर्मिनोलॉजी पे काम किया है ना, उस चीज़ को भी लेके आ रहे हैं और उस पर धीरे धीरे करके हमको ग्रोथ भी देखने को मिलेगा। और मेजर नॉवेलिस्ट और उनके कुछ वर्क हम डिस्कस करें, सबसे पहले हॉरेस वॉलफुल जो कि 1717 से 1797 तक काउंट होते हैं, द कास्टल ऑफ ओरोडोंडो करके इनका एक वर्क है जो कि 1764 पे लिखा गया था, गॉथिक नॉवेल का बेस्ट एग्जाम्पल है, उसमें हॉरिफाइड भी आता है, सस्पेंस भी आता है, थ्रिलर भी आता है, ओके। सेकंड जो है आपका द रोमांस ऑफ द फॉरेस्ट है और ये लिखा गया था 1791 पे, द मिस्ट्री ऑफ ओडोल्फो है जो कि 1794 पे लिखा गया था, ठीक है, हिस्टोरिकल नॉवल पे लिखा गया था तो उसका बेस्ट एग्जाम्पल है, ये आप बोल सकते हैं। फिर उसके बाद एलिजाबेथ एंड एनचेंटेबल है जो कि 1753 से 18
21 तक काउंट होती है। इनका जो वर्क है अ सिंपल स्टोरी, जो कि 1791 में लिखा गया था, नेचर एंड आर्ट 1796 पे लिखा गया था, नॉवल ऑफ ए मैनर पे लिखा गया है। ओके, फिर उसके बाद विलियम गोल्डिंग, जो कि 1756 से 1836 तक काउंट होते हैं, थिंग्स एज दे आर, जो कि 1794 पे लिखा गया है। और इनसे इंस्पायर्ड होकर पी बी शैले ने अपना वर्क भी लिखा था, और इन्हीं की डॉटर से उन्होंने शादी भी की है, ठीक है, मैरी शैले जिनका नाम है। फिर मैरी वुल्स्टोनक्राफ्ट, जो कि 1759 से 1797 तक काउंट होते हैं, ये अपना जितना भी वर्क है पोइट्री पे, फेमिनिज्म पे ज़्यादातर लिखती थी, और इनका फिक्शनल वर्क भी है, जैसे मैरी ऑफ फिक्शंस, मैरियन ऑन द रॉन्ग वुमेन करके, ये इनका फिक्शन वर्क है, इस चीज़ को रिप्रेजेंट किया है। ये विलियम गोल्डन की वाइफ है, ठीक है, और मैरी शैले की मदर भी है। फिर है फैनी बर्नन, जो कि 1752 से 1840 तक काउंट होती है, विलियम करके इनका वर्क है, द हिस्ट्री ऑफ ए यंग लेडी इंटरेस्ट इन टू द वर्ल्ड, ठीक है, जो कि 1778 पे लिखा गया था। इससे सीधा क्वेश्चन आता है आपका यूजीसी नेट में इंग्लिश पे, इससे सीधा सीधा क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, और यही इसका आंसर है। पिछली बार जो क्वेश्चन आया था उसमें यहाँ पे डैश लग गया था, और यहाँ पे आपको सीक्वेंस में आया था, ये स्टेटमेंट में क्वेश्चन आया था। ओके, फिर इनका वर्क है कैमेलिया और अ पिक्चर ऑफ ए यूथ करके, जो कि 1796 पे आया था, द वॉन्डर और द फीमेल डिफिकल्टीज है, जो कि 1814 पे आया था। ओके, फिर मैरियन एजवर्थ करके है, जो कि 1768 से 1849 तक काउंट होती है, कैसल ऑफ ए रेक्रेंट करके है, इनका वर्क आया था 1800 पे, और बेलिंडा करके भी इनका वर्क था, जो कि 1801 पे आया हुआ था। फिर वॉल्टर स्कॉट करके, जो कि 1771 से काउंट होते हैं 1832 तक, वेलियर करके इनका वर्क था, हार्ट ऑफ ए मिल्टोनियन करके इनका वर्क है, जो कि 1818 में आया है, और एक इनका वर्क 1814 में आया है। पहले ये वर्क आया, उसके बाद भी ये वर्क आया, सीक्वेंस आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि इसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पे आपको क्वेश्चन जनरेट पूछे जाते हैं। फिर जॉन एस्टिन्स बेस्ट है, जो कि सेंस एंड सेंसिबिलिटी उन्होंने लिखा है, 1811 पे लिखा है, इनका इस नाम से सेंशियल्स प्ले करके भी बोला जाता है, इस एज को सेंस एंड सेंसिबिलिटी एज भी बोला जाता है। ओके, फिर प्राइड एंड प्रिजूरियस करके, जो कि 1813 में लिखा था, मैंसन पार्क बहुत ज़्यादा फेमस वर्कर, बहुत अच्छी स्टोरी है इसमें, 1814 में लिखा गया था इसको। एमा करके 1816 में इसको लिखा गया था, नॉर्थ एंगर एबे करके 1818 में लिखा गया था। तो जेन ऑस्टन का जितना भी वर्क है बहुत फेमस वर्क है, और बहुत अच्छा उन्होंने वहाँ पे स्टोरी बिल्डअप किया है, जो कि बहुत ज़्यादा पढ़ने में भी अच्छा लगता है, और इससे जो क्वेश्चन जनरेट होता है वो भी आप पढ़ोगे और बनाओगे, तो आपको वो चीज़ बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल ही होने वाली है। ज़्यादातर बाकी के मैंने पूछता है, जेन ऑस्टन के बारे में पूछता है कि हाँ इनसे इन्होंने कौन सा वर्क लिखा है, उस वर्क के अंदर का कैरेक्टर और उसका स्टोरी क्या है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, थॉमस लव पिकॉक करके हैं, जो कि 1785 में काउंट होते हैं 1886 तक, मेरेन कोट करके इनका एक वर्क था, 1817 में उन्होंने लिखा था, नाइट एंगर एवे करके 1818 में लिखा था, कार्ल्स ग्रेंज करके, जो कि 1861 पर लिखा था। तो ये सारे ऑथर रोमांटिक एज में फिक्शन में काउंट होते हैं। यही आप अगर पोइट्री पे जाएंगे तो पोइट्री में डिफरेंट ऑथर काउंट होते हैं, नॉन फिक्शन पे जाएंगे तो नॉन फिक्शन में भी डिफरेंट ऑथर काउंट होते हैं, तो उनका अलग अलग ओपिनियन रहता है अपने वर्क को लेके, अपने एज को लेके, और उस एज का, हर एक एज का टेम्परमेंट सेट रहता है, उसी टेम्परमेंट में लिखा जाता है। जैसे विक्टोरियन एज का सेट होगा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बारे में, न्यू ऑथर हैं तो उसी वे पे लिखेंगे, रोमांटिक एज है तो नेचर लवर हो गए, और लव को डिफरेंट वेरिएंट पे वो दिखाने की कोशिश करेंगे, ठीक है, उस चीज़ को रिप्रेजेंट किया गया है। और एक चीज़ कि जो ऑथर स्टार्टिंग से जो इंस्पायर्ड होते जा रहे हैं, पहले जो ऑथर थे वो हिस्ट्री से, पुराना कुछ हिस्ट्री होगा, ठीक है, वहाँ से इंस्पायर्ड होते आ रहे हैं, इन्फ्लुएंस में अपना वर्क लिखना स्टार्ट किए हैं, और उसके बाद धीरे धीरे करके इसमें आपको ग्रोथ देखने को मिला है, चाहे पोइट्री हो, फिक्शन हो, नॉन फिक्शन हो, ये सारी चीज में आपको ग्रोथ देखने को मिला है। एजेस की अगर हम बात करते हैं, बार बार आपको एक ही चीज बोल रहे हैं हम, कि एजेस जो है सेम होता है, बस कुछ कुछ कंट्रीब्यूशन दिया जाता है अलग अलग पोएट्स का, अलग अलग ऑथर्स का, और उसमें अपना अपना उन्होंने क्रिएशन ही दिखाया है, कुछ न्यू क्रिएशन लेके आया है, ताकि वो एज में वो जो टेम्परमेंट सेट है, जैसे नॉवल चल रहा है तो नॉवल का भी टेम्परमेंट जो सेट हुआ है वो ग्रोथ करे और उसमें फ्लोरिश हो। वैसे पोइट्री में भी होता है, ड्रामा में भी होता है, अलग अलग जो ऑथर हैं उनका अलग अलग थिंकिंग है, अलग अलग ऑब्जर्वेशन है, उस चीज़ को यहाँ पे बताया जाता है। तो आज की क्लास में हमने रोमांटिक एज के बारे में डिस्कस किया है, और रोमांटिक एज में क्या क्या हुआ था, फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ है, अब फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट 1898 से हुआ है, ठीक है, 99 तक था, और ये सारा चीज़ इसमें रेवोल्यूशन एज हुआ है तो यहाँ पे भी काउंट होता है। और इस एज में, रोमांटिक एज में, मैंने आपको पहले भी वीडियो बनाया, उसमें भी बताया था कि जॉर्ज थर्ड पहले राजा थे, फिर उसके बाद विलियम फोर्थ बने हैं, फिर उसके बाद
विलियम जॉर्ज फोर्थ बने हैं, उसके बाद क्वीन विक्टोरिया, क्योंकि रोमांटिक एज के बाद आता है आपका विक्टोरियन एज जो कि 1837 से स्टार्ट होता है 1901 तक। तो क्वीन के शासन पे वहाँ पे जो प्रजा है कैसे थी, क्या उन्होंने किया, क्या उनका कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है, कैसे टाइप के वर्क्स लिखे गए थे, फिक्शनल वर्क, क्योंकि फिक्शन में विक्टोरियन एज को एज अ गोल्डन एज कंसिडर किया जाता है। आपके पोइट्री पे एलिजाबेथन एज को कंसिडर किया जाता है एज अ गोल्डन एज, शॉर्ट टर्म पे अगस्तन एज को गोल्डन एज माना गया है, ठीक है। रेस्टोरेशन में रिस्टोर हुआ था थिएटर तो उतना ज़्यादा उसको नहीं माना जाता है, और पोइट्री में आपका रोमांटिक एज को गोल्डन एज माना गया क्योंकि यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है और बहुत सारे ऑथर ने अपना न्यू क्रिएशन किया है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। आप